हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। तो आज आपका पेपर था मैथमेटिक का, क्लास ट्वेल्थ का जो है मैथमेटिक, जिन बच्चों ने लिया था उनका आज मैथ का पेपर था। तो सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाहता हूं कि कैसा रहा आपका पेपर। आशा करता हूं कि सभी लोगों का पेपर अच्छा रहा होगा, लेकिन आज मैं आपको इन वीडियो में बताना चाहता हूं कि जो पेपर आए थे उनका जो आंसर की है वो क्या है, यानी कौन से क्वेश्चन का सही आंसर क्या है वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो आप मेरे इस वीडियो में जो मैं आंसर देने वाला हूँ उस आंसर से आप अपने आंसर मैच करिए। आशा करता हूँ कि आपके सभी आंसर सही जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आपको ज़रूर मिलाना चाहिए इन मेरे इस वीडियो से कि आपका आंसर और मेरे आंसर जो एक टीचर के आंसर है वो मैच कर रहे कि नहीं कर रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले मैं इस वीडियो में आपको सेट नंबर 1 का जो आंसर किए वो दूंगा, फिर मेरे अगले वीडियो में आपको सेट नंबर 2 के आंसर की दूंगा, और थर्ड वीडियो में मैं आपको सेट 3 के आंसर की दूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं सेट 1 की। जैसे कि आप यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सेट नंबर 1 डला हुआ है। सेट नंबर 1 की मैं आपको आंसर की इसमें देने वाला हूँ। देखिए, सेट लिखा 65/4/1। आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे 65/4/1 है, 65/4/2 है, 65/4/3 है। ये 3 सेट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मान लीजिए आपका सेट ये नहीं है, आपका सेट है 65/1/1, 65/1/2, 65/1/3। इस टाइप का सेट हो सकता है। इस हिसाब से किसी किसी रीजन में आपको ये कोड मिलेगा, किसी रीजन में आपको ये कोड मिलेगा, हो सकता है किसी रीजन में कोई और भी कोड मिले, जैसे 65/3/1, इस टाइप से भी कोड मिल सकता है। तो कोड कोई सा भी हो, लेकिन उसके जो क्वेश्चन है अंदर वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो आप तो एक तो ये सीरीज मिला लीजिए, ये वाली सीरीज, और ये सेट नंबर मिला लीजिए, है ना। और अंदर जो क्वेश्चन है उसको आप मैच करते चलिए। अपना पेपर उठाइए और चेक करिए कि कौन सा आंसर आपका सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है आई, यानी कि ए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में अगर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कंटिन्यूस एवरीवेयर, ये वाला जो क्वेश्चन है ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है 2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। तो इस तरह से अभी तक हमने 10 क्वेश्चनों के आंसर देख लिए, अब बचे हमारे बाकी के 10 क्वेश्चन। तो चलिए उसके भी हम आंसर देखते हैं कि उसके आंसर क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन 16 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है +-√3, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से हम अगर क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 7/10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नाउ ये है असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव देयर इनवर्स ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स, ओके। और जो इसका रीजन है वो द इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। मतलब ये जो असर्शन है वो फॉल्स है, लेकिन रीजन इसका क्या है, करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में जो आपको असर्शन दे रखा वो भी करेक्ट है,
और जो इसका जो रीज़न दे रखा है वो भी करेक्ट है। इट मीन्स इसका जो ऑप्शन होगा वो ए इज़ करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए ऑप्शन इसके करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए और डी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। तो इस तरह से हमने सेट वन के सारे क्वेश्चन के आपको आंसर बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेट टू के बारे में जानना है तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।